रिजल्ट आए ना, ओ माय गॉड, बहुत सारे सवाल है अपने दिमाग में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, स्पेशली रिलेटेड टू द ट्रांजिशन स्कीम कि मैम जैसे कि हमने एक ग्रुप क्लियर किया है, अभी अगले अटेम्प्ट में हमको कौन से दो पेपर्स देने हैं, या फिर सेल्फ पेस मॉड्यूल्स का क्या सीन है, या फिर एक्सेम्पशन रूल्स क्या है नए कोर्स के हिसाब से. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने एक ट्रांजिशन स्कीम रिलेटेड तो एक वीडियो स्पेसिफिकली बनाया, यहाँ पे लिंक छोड़ देती हूँ, यू कैन गो एंड वॉच दैट. फिर अगला सवाल क्या आ रहा है आपके दिमाग में कि मैम नया स्कीम है तो इस नए स्कीम के हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हमको पूरी क्लासेस वापस देखने चाहिए, क्या हमको बुक्स कौन से रेफर करने चाहिए, क्या हम हमारा ओल्ड मटेरियल रेफर कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स क्या होगी. बहुत सारे सवाल है यार, जैसे कि बेसिक चीज कि मैम अभी 30% MCQs आने वाले हर पेपर में, तो हमको अप्रोच क्या रखना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, या फिर रिसोर्स क्या रेफर करना चाहिए. बहुत सारे सवाल है आपके दिमाग में, तो दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. बस शांति से मुझे एंड तक सुनना, आपके सब क्वेश्चन इस वीडियो में रिजोल्व हो गया. और इसके अलावा बेटा आपको कोई भी सवाल है रिलेटेड टू द ट्रांजिशन, रिलेटेड टू द न्यू स्कीम, रिलेटेड टू द सिलेबस, प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन में लो, बिकॉज मैं बहुत सारे वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ. जैसे कि एक IBS रिलेटेड आपके दिमाग में सवाल है कि IBS पेपर को किस तरीके से अप्रोच करें, तो वो वीडियो लाइंड अप है. RTI कॉपीज किस तरीके से अप्लाई करें और क्यों करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके लिए एक वीडियो लाइंड अप है. एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए, सो दैट योर थिंग्स आर मेड सिंपलर इन द डेज टू कम. आई वुड ट्राई एंड स्टैंड बाय योर साइड. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना. एंड वन मोर थिंग गाइज, आई एम सो सॉरी, द स्लॉट फॉर द मेंटोरशिप प्रोग्राम हैव बीन सोल्ड आउट बिकॉज मैं यहाँ पे लिमिटेड इनटेक लेती हूँ. बट इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी पर्सनली, देन आई हैव ओपन द स्लॉट्स फॉर द इंस्टेंट फोन कॉल सेशन. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो या लेट्स बिगिन. नंबर वन थिंग जो आपके दिमाग में है कि मैम अभी इस बार हम कौन सा ग्रुप दे. बहुत इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन बाय द वे कि ग्रुप कौन सा दे, बिकॉज हमेशा क्या होता था एक ग्रुप देना है, कोई भी ग्रुप दे सकते हैं, लेकिन इस बार कौन सा ग्रुप दे कंसिडरिंग न्यू स्कीम है या कोई एग्जेम्पशन है या किस हिसाब से आगे बढ़ना है. सी, अगर आप CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, अगर आप CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, मेरा रिकमेंडेशन है, ओके, यू कैन गो फॉर एनी ग्रुप, दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन. आई वुड से गो फॉर फर्स्ट ग्रुप. मैं फर्स्ट ग्रुप क्यों बोल रहे हो, इसमें तो अकाउंट्स में तो चेंजेस है ज्यादा. सी गाइस, फर्स्ट ग्रुप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सी ग्रुप टू जो है, अगर आप केयरफुली देखो, ऊपर ऊपर से क्या लग रहा है कि ग्रुप वन में चेंजेस है, ग्रुप टू में चेंजेस नहीं है ज्यादा, लेकिन ग्रुप टू के अगर आप पेपर्स देखो, कॉस्टिंग जनरली अपने को डिफिकल्ट लगता है. 90% ऑडियंस को कॉस्टिंग डिफिकल्ट लगता है. दूसरा पेपर है ऑडिट, विच इज अ थेरोटिकल पेपर. तीसरा पेपर है FM SM. अभी FM का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से अपने को पता है. एंड दूसरा सब्जेक्ट है SM, विच इज अ थियोरी पेपर. तो अगर आप देखोगे ग्रुप टू में या तो थियोरी पेपर है या तो वो प्रैक्टिकल पेपर है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो ज्यादा. तो वॉट आई वुड रिकमेंड, भले ही ग्रुप वन का जो अकाउंट है उसमें अभी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अगर आप मेरा रिकमेंडेशन सुनोगे कि भले आपको एक 15-20-25 डेज लगे क्लासेस देखने को, एक ग्रुप दे रहे हो, तो 100% गो फॉर फर्स्ट ग्रुप. दिस वुड बी माय रिकमेंडेशन फॉर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स. एंड फॉर CA फाइनल स्टूडेंट्स, सी गाइस, दिस इज कंसिडरिंग आपने अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं की है, लेकिन अगर आपने ग्रुप टू की पढ़ाई शुरू कर दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट अ रिकमेंडेशन. अगर अभी CA फाइनल का एग्जामिनेशन अगर अभी आप दे रहे हो, मेरा रिकमेंडेशन अगेन यहाँ पे रहेगा कि ग्रुप वन ही देना. मैम ग्रुप वन क्यों दे अभी? सी, अभी आपको पता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन है रिलेटेड टू दिस IBS पेपर फ्रॉम ग्रुप टू. अभी आई एम नॉट टेलिंग यू कि इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी अभी तक नहीं है अपने पास. तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि इट इज ऑलवेज बेटर कि एक ही ग्रुप देना है ना, तो ग्रुप वन दो, बिकॉज ग्रुप टू में देयर इज दिस वन पेपर जिसके बारे में अपने पास रिसोर्स भी नहीं है, क्लासेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तक. तो अगर शुरू ही कर रहे हो अभी 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 तक ग्रुप टू अगर आपने शुरू किया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. IBS पेपर के बारे में थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी, थोड़ा बहुत लाइन ऑफ एक्शन मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, वो उस वीडियो में आप प्रेफर कर लेना. बट अगर अभी तक शुरू ही नहीं किया है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा गो फॉर ग्रुप वन. तो बोथ द केसेस में व्हाट आई वुड रिकमेंड इज CA इंटरमीडिएट में फर्स्ट ग्रुप, CA फाइनल में फर्स्ट ग्रुप. नंबर टू सवाल आपके दिमाग में है कि मैम क्लासेस वापस लेनी चाहिए क्या, नया स्कीम है मैम, चेंजेस है मैम, क्लासेस वापस लेने चाहिए क्या. सी गाइस, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, ये हाइप ज्यादा क्रिएटेड है कि नया स्कीम है, नया स्कीम है. मैं आपको सिलेबस बताऊं ना, ज्यादा चेंजेस नहीं है. जैसे कि अकाउंट्स है, अकाउंट्स में क्या है, 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. ब्रांच पहले भी था, रिकंस्ट्रक्शन पहले भी था, मतलब ग्रुप टू में था ऑफकोर्स. CFS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, अमालगमेशन, बायबैक, ये चैप्टर्स है. सिंगल एंट्री रिमूव कर दिया, डिपार्टमेंट्स रिमूव कर दिया, पार्टनरशिप रिमूव कर दिया. तो ये अकाउंट्स का नया सिलेबस है. लॉ में क्या कर दिया उन्होंने, FEMA और LLP ये दोनों एड कर दिए इंस्टेड
ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, और कंपनी लॉ में एक चैप्टर ऐड कर दिया है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप देखोगे एक छोटा सा चैप्टर ऐड कर दिया कंपनी लॉ में और दो जो मेजर एक्ट्स थे वो रिमूव कर दिए और दो एक्ट्स ऐड कर दिए। तो अगर आप देखोगे है चेंज, लेकिन इट्स जस्ट 20% ऑफ इट, इट्स नॉट कि कंप्लीटली कुछ चेंज कर दिया है। टैक्स में कुछ चैप्टर्स ऐड कर दिए उन्होंने, जैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, ई वे बिल, ऐसे कुछ दो तीन चैप्टर सिर्फ ऐड कर दिए, रेस्ट रिमेन्स द सेम। ऑडिट में कंपनी ऑडिट चैप्टर रिमूव कर दिया और इथिक्स एंड कंप्लीशन एंड रिव्यू ये चैप्टर ऐड कर दिया, दैट्स इट, बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एफएमएसएम, एफएम रिमेन्स द सेम, एफएम एज इट इज रिमेन्स द सेम। एसएम के जो 8 चैप्टर्स थे अभी 5 चैप्टर्स है। सो इफ यू सी देयर आर नो मेजर चेंजेस एट सच। अगर आप एफआर का देखोगे अभी सीए फाइनल का, अगर मैं आपको बताऊं, दो थियरी चैप्टर्स उन्होंने रिमूव किए हैं और दो थियरी चैप्टर्स ऐड कर दिए। कौन से दो थियरी चैप्टर्स रिमूव कर दिए? सीएसआर और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। और कौन से दो थियरी चैप्टर्स ऐड कर दिए? इथिक्स, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिर्फ दैट्स इट, इसके अलावा कोई मेजर चेंज नहीं है। एसएफएम में, मतलब अभी जो एएफएम है, इसमें एक चैप्टर ऐड कर दिया कैपिटल बजटिंग, रेस्ट एवरीथिंग रिमेंस द सेम। ऑडिट में थोड़े बहुत चेंजेस है, जैसे कंपनी ऑडिट रिमूव कर दिया है, कारो कंटिन्यू किया है। फिस्कल लॉज, पीयर रिव्यू, इंश्योरेंस, ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ये चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं। सीएफएस जो पहले था, अभी उसको ग्रुप ऑडिट्स नाम दे दिया गया है। और ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो चैप्टर था ना, दैट इज रिप्लेस्ड नाउ बाय डिजिटल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। है थोड़े चेंजेस है उसमें, बट दिस इज द रीनेम्ड पार्ट ऑफ इट। एंड कुछ आई थिंक 10-12 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एडेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये चैप्टर एडेड है। तो मेजर क्या है, कुछ 10 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एडेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये चैप्टर एडेड है, दो चैप्टर्स के नाम रीनेम किए हैं और कुछ चैप्टर्स रिमूव भी किए गए हैं। तो कुछ चेंजेस है ऑडिट में, अग्रीड। डीटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, टैक्स ऑडिट चैप्टर ऐड कर दिया, ब्लैक मनी एक्ट चैप्टर ऐड कर दिया, दैट्स इट। आईडीटी अभी जीएसटी 80 मार्क्स का है, कस्टम्स 20 मार्क्स का है, और ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर रिमूव कर दिया है कस्टम्स में, दैट्स इट। इसके अलावा कोई चैप्टर एडेड रिमूव्ड ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप देखोगे देयर आर नो मेजर चेंजेस एट सच। तो अगर आपकी क्लासेस हो चुकी है, सपोज पहले ही आपकी क्लासेस हो चुकी है, तो सिर्फ अमेंडेड लेक्चर्स देखो, सिर्फ अमेंडेड लेक्चर्स देखो, पूरा की पूरा क्लासेस आपको देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज सिनारियो वन। सिनारियो टू क्या हो सकता है कि मैम क्लासेस तो देखी थी बट हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो बेटा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सर्टनली गो फॉर द क्लासेस, बिकॉज इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू सेटअप प्योरली कॉन्सेप्चुअल पेपर्स, प्योरली एनालिटिकल पेपर्स। तो अगर आपके क्लासेस हुए थे स्टिल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर क्लासेस अगेन। एंड नंबर 3 सिनारियो इज कि मैम अगर हमको बौद्ध ग्रुप्स देना है तो हमारे क्लासेस का क्या स्टेटस होना चाहिए? सी गाइज, अगर आपको बौद्ध ग्रुप्स देना है तो मैं बोलूंगी मैक्सिमम 10th-15th फेब तक आपके क्लासेस खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद 3 महीने तो चाहिए ना पढ़ाई के लिए हाथ में, तो इसीलिए बोल रही हूं मैक्सिमम 10th-15th तक हो जाने चाहिए। सो दिस वॉज रिलेटेड टू द क्लासेस ऑस्पेक्ट। नंबर 3 ऑस्पेक्ट जो अपने दिमाग में सवाल है कि मैम बुक्स क्या करे, पुराने बुक्स रेफर कर सकते हैं क्या, नए बुक्स ऑर्डर करने हैं क्या, किस तरीके से करें? सी गाइज, मेरा रिकमेंडेशन है, दिस इज माय रिकमेंडेशन कि आई थिंक यू शुड ऑर्डर न्यू बुक्स। क्यों नए बुक्स ऑर्डर करो? बिकॉज इंस्टीट्यूट ने काफी क्वेश्चंस ऐड किए हैं, हर जैसे कि एफआर में बहुत क्वेश्चंस ऐड कर दिए, एएफएम में काफी सारे क्वेश्चंस ऐडेड है, सीए इंटर में, अकाउंट्स में काफी सारे क्वेश्चंस ऐडेड है। तो देयर आर दीज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस व्हिच आर ऐडेड। तो मेरे हिसाब से जो भी फैकल्टी का आपका मटेरियल है या जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, टेक द न्यू लेटेस्ट अपडेटेड मटीरियल मेरे हिसाब से। लेकिन इफ यू आर फॉलिंग इन टू दोज बकेट्स जो खुद की बुक से ही पढ़ना प्रेफर करते हैं, जिन्होंने नवंबर तक एग्जामिनेशन दिए हैं और खुद की बुक से ही पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जो अमेंडेड पोर्शन है उसके जेरोक्स ले लो, एडिशनल क्वेश्चन के जेरोक्स ले लो। उसमें थोड़ी मेहनत लगती है यार, एफर्ट्स लगते हैं, कंपेरिजन करो एंड फिर एडिशनल क्वेश्चन देखो। तो आई थिंक अगर आप कर सकते हो तो करो, बट नया मटीरियल रेफर करो, ये मेरा कहना रहेगा। This was related to the books. Number 4 चीज आती है कि मैम resources क्या refer करें, जैसे कि इस बार MCQs आने वाले हैं, pattern changed है CA new scheme का, तो किस हिसाब से हमको resources रखने चाहिए? See guys, जैसे मैंने बोला कि आपको नया material order करना है, इसके अलावा अगर आपको past attempt के RTPs, MTPs refer करने हैं कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, because the syllabus remains the same. Reference point के लिए आप उसको use कर सकते हो। And additionally जो भी faculty का material buy कर रहे हो, make sure कि उसमें MCQs हैं, मेक श्योर उसमें एमसीक्यूज है, बिकॉज अभी एफआर में भी एमसीक्यूज आने वाले हैं, एएफएम में भी एमसीक्यूज आने वाले हैं, कॉस्टिंग में भी एमसीक्यूज आने वाले हैं, अकाउंट्स में भी एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो सी गाइस टेंशन लेने की बात नहीं है। सी ऑडिट में तो पहले से एमसीक्यूज थे, एसएम में पहले से एमसीक्यूज थे, टैक्स लॉ तो 50% पोर्शन में तो पहले से एमसीक्यूज था। सिमिलरली फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, डीटी आईडीटी में पहले से एमसीक्यूज थे, या फिर ग्रुप वन में ऑडिट लॉ में पहले से एमसीक्यूज थे। चलो लॉ तो अभी नहीं है, बट स्टिल इट इज लाइक 50% सिलेबस में एमसीक्यूज तो पहले से ही थे ना बेटा। तो इतना हाइप मत क्रिएट करो, अरे
एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू आ गया, 50% में एमसीक्यूज आया, 50% में तो पहले से ही थे। तो बेटा बस लोड नहीं लेना है, एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज के लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगती है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू करो, बिकॉज एमसीक्यूज आर नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप अभी तक भी देखोगे, एमसीक्यूज जनरली एनालिटिकल होते हैं और एनालिटिकल क्वेश्चन टैकल करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अभी से ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर, दैट्स द ओनली वे टू गो अबाउट एमसीक्यूज नाउ। बस सेम ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा ही सिलेबस है और आपको उसकी क्लैरिटी लेने की जरूरत है। सिलेबस रिमेन्स द सेम, यू जस्ट नीड क्लैरिटी ऑफ इट टू अटेम्प्ट द डिस्क्रिप्टिव और द एमसीक्यूज पेपर। लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। एंड द लास्ट थिंग इज कि मैम एग्जामिनेशन डेट्स कब एक्सपेक्टेड है, एग्जाम कब होगी। मेरे हिसाब से आई थिंक मे एंड वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 25th, अराउंड 20th टू 25th के बीच में आपकी एग्जामिनेशन बिगिन हो सकती है। तो मेरा कहना ये रहेगा, अगर एक पेपर में अगर एग्जेम्पशन है, आपको कोई भी एक पेपर में एग्जेम्पशन है, सिर्फ 5 पेपर्स बचे हैं, और अगर जनवरी एंड तक क्लासेस होते हैं या फरवरी 10th-15th तक क्लासेस होते हैं, देन गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, बिकॉज टाइम एक्स्ट्रा है इस बार एंड पेपर्स लिमिटेड है इस बार, एंड सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के लिए भी एग्जेम्पशन है इस बार। तो हर एंगल से आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर बोथ द ग्रुप्स दिस टाइम, ठीक है। सो या इसके अलावा कोई भी सवाल है, कोई भी दिमाग में आपके क्वेश्चन है, तो प्लीज रीच आउट टू मी, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड बी सर्टनली देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।